दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरा चैनल का और एक वीडियो में। अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा वो निकला है दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों जो लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और गेट क्वालिफाइड है उन लोगों के लिए ही है। और पोस्ट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये पोस्ट जो निकला है दोस्तों ये इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का है और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों डिप्टी इंजीनियर का है जो अलग अलग सेगमेंट में। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है मैं बता देता हूँ। डेप्यूटी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 21 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व के लिए 11, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। और जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 55% मार्क मांगा है, प्लस आपका जो गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पोस्ट है डेप्यूटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल 15 पोस्ट है और रिजर्व के लिए 8, ओबीसी 4, एससी 2 और एसटी 1। यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है, 55% मार्क, गेट क्वालिफाइड, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद है डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल 15 पोस्ट है और रिजर्व 8, ओबीसी 4, एससी 2 और एसटी 1। यहाँ पे बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55% मार्क, गेट का क्वालिफाइड और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद डेप्यूटी इंजीनियर सिविल 6 पोस्ट है और रिजर्व 4, ओबीसी 1, एससी 1। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है बीटेक इन सिविल 55% मार्क, गेट का क्वालिफाइड, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जो स्केल सैलरी का है यहाँ पे दोस्तों 40,000 से 1,40,000 है। जो कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी है 6.46 लाख पर एनम। और एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जो 5 साल एस सी एस टी के लिए रिलेक्शन है, 3 साल है ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल का रिलेक्शन है। और जो रहता है जम्मू कश्मीर ये सब लोगों के लिए 5 साल तक ये है आपका रिलेक्शन है। और इसको जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों 29/12/2018 इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन में अप्लाई करना है। इसका जो वेबसाइट है www.celindia.co.in, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन में इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका कलर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका जो सिग्नेचर का सैनी आजकल हर जगह पे लग रहा है वो सब तो चाहिए। और यहाँ पे जो हाई स्कूल मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डिप्लोमा, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट और पीडीएफ फॉर्मेट में ये सब को आपको ये करना पड़ेगा। आपको स्कैन करके इसको पीडीएफ फॉर्मेट में ये करके आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा। 15/12 से इसका शुरू हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, 29/12 को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। तो इसका जो मैं डिटेल लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और गेट का क्वालिफाई किए हैं तो इसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर तो देखेंगे तो अच्छा है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों। और एक तो रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं हर रोज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, बैंकिंग, जिसका भी जो भी जॉब निकल रहा है मैं इमीडिएटली अपडेट कर रहा हूँ, तो आपको भी नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।